ऐसी पर्सनालिटी जिनकी सिर्फ स्माइल से ऐसे भी कोई भी डल मोमेंट ब्राइट हो जाता है. सो आई वुड लाइक टू कॉल द वन एंड द ओनली जूही चावला. मैम, कैन वी प्लीज हैव यू हियर? जोर से जोर से. Can you have one more mic, please? Hi. How are you? Hi. Hi, ma'am. Welcome to Big FM. I'm sure ये आपका first time नहीं है, so it almost feels like home. Thank you very much, Pari. It's lovely to be here again at Big FM, and it's lovely to meet all of you this morning. A very happy New Year to all of you, and thank you for inviting me here today. थैंक यू सो मच मैम. जैसा मैंने कहा कि आपकी स्माइल ही इनफ है टू मेक एनी डल मोमेंट ब्राइट. बट हैविंग सेड दैट मैम, थैंक यू सो मच फॉर यू नो बीइंग हियर एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन विद योर प्रेजेंस. टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटिव आई गिफ्ट आई साइट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इनिशिएटिव? आप कुछ कहना चाहोगे उस पर? डेफिनेटली आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू बिग FM कि आपने ऐसा सोचा. Because I think we're all very busy working for ourselves, thinking about ourselves, but very rarely do we stop and say, "Arey, what about the others?" And eventually, like all the gurus tell us, we are all one. We're all connected. When you do something for others, when you give others what they want, you will get what you want. That's the biggest secret of life. Give others what they want, and you will get your wishes will come true very smoothly. Very easily. And we forget this. We say, me first. And then it becomes a struggle. So it's a wonderful, wonderful thing you've done. And I hope all your listeners also, they listen and also contribute. डेफिनेटली थैंक यू सो मच मैम. मैं इनफैक्ट आपसे और बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशन करती रहूंगी. मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूंगी जिनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है इस इनिशिएटिव में, दैट इज हेल्पेज इंडिया. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हेल्पेज इंडिया प्लीज, बिकॉज आई थिंक उनके बिना दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. सो मैम, मैं कुछ गेस्ट हैं हमारे साथ, तो मैं उन्हें भी बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, एंड देन टुगेदर वी कैन स्पीक टू देम. ओके, सो टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू कॉल द CMO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीएन राजेंद्र कुमार. सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. एंड डीएन राजेंद्र कुमार हियर विद अस, CMO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, sir. And it's a very noble cause, and we are also very glad to be associated with them. Thank you, Ananda. Thank you so much. So, would you like to say something? Thank you, Red FM, or not Red FM, Big FM. Sorry, it's a Big FM. So, I thank each and everybody over here for making this event quite successful, and thank you, ma'am, for supporting us too, and also the Big FM. थैंक यू सो मच. तो यहाँ से बिग FM की प्रथा है सर कि हम खाली हाथ कभी नहीं जाते. सम रेड रोजेस फॉर यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. आई थिंक काफी टाइम से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव, एंड जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं वी मेक श्योर दैट हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें टू हेल्पेज इंडिया, बिकॉज एज आई सेड आपके सपोर्ट के बिना वी वुड नॉट हैव बीन इवन क्लोजर टू द टारगेट दैट वी आर राइट नाउ एट. सो थैंक यू सो मच. हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिग FM. ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है उसके लिए मैं बिग FM का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये सिर्फ आई साइट डोनेट का या फिर कैटरेक्ट ऑपरेशन करने का सिर्फ सवाल नहीं है. यू आर नॉट जस्ट गिविंग आई साइट बैक टू देम, बट यू आर हेल्पिंग दिस
disadvantaged elderly people to live a dignified life. You know, we are restoring their dignity back. That is very, very important. और जब से initiative शुरू हुआ है और कई लोगों के call हमें आ रहे हैं, कई लोगों ने सुना है, they were very happy that Big FM और Helpage India मिलकर आज 1001 disadvantaged older person को help कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए ये लोग मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया initiative है। मैं एक experience share करना चाहूँगी and I want everybody to listen to this also. This is an experience that we had, ma'am, on air जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे. So there was a listener who called and जिन्होंने कहा कि मैंने इस इनिशिएटिव के बारे में सोचा and I'm not making this up at all. This is something that really happened. He called up and he said that ma'am, मैं partially blind हूँ, so not completely but थोड़ा बहुत मुझे दिखता है, but I drive. मैं ड्राइव करता हूँ एंड कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि ये रिस्की ना हो जाए मेरे लिए एंड उससे भी ज़्यादा जो पैसेंजर्स आते हैं. सो जब उन्हें इस इनिशिएटिव के बारे में पता चला देन ही वॉज रियली ओवरवेल्ड एंड यू नो वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्ड थे कि वो थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. वी कुड लिटरली फील द शिवर इन हिज वॉइस. So this was, yeah, this is something that really happened and I think unka message sunke there were so many other people who came forward to support for this cause and initiative. So thank you so much once again, sir. Wow. Thank you so much. A big round of applause for Helpage India, please. Thank you very much. एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा जूही, क्योंकि ये जब इनिशिएटिव चल रहा था और इनके कार जो अंबरनाथ में आई हुई थी और अंबरनाथ में हमारा स्क्रीनिंग कैंप चल रहा था, वहाँ पे बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर जिनकी उम्र तकरीबन 78 साल की थी वो वहाँ पर आए थे ऑपरेशन करवाने के लिए. और वो इसीलिए आए थे क्योंकि पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड. उन्होंने कहा मैं ऑटो रिक्शा चला कर ही मेरा खुद का और फैमिली का पेट भरता हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है. लेकिन एक कैटरेक्ट की वजह से गए एक महीने से मैं ऑटो नहीं चला पा रहा, कमाई कुछ नहीं हो रही है. और जब मुझे इनिशिएटिव का पता चला तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनिंग किया, मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मेरी ट्रीटमेंट हुई और आज आंखों की रोशनी वापस आई है. तो उस अंबरनाथ की स्क्रीनिंग कैंप में वो सिर्फ इसीलिए आए थे बिग एफएम और हेल्पेज इंडिया को धन्यवाद देने के लिए. उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा मेरी एक महीने की रोजी रोटी जब नहीं मिली तब मुझे पता चला कि आंखों की रोशनी का महत्व कितना है. As being a public figure and being a name, I'm sure बहुत responsibility होती है आप पर to you know to promote the right kind of causes and the causes that you truly truly feel for. And talking about you, आप बहुत सारे causes के साथ already जुड़े हो, be it about plastic, be it about the mobile radiation, बहुत सारे ऐसे causes हैं जिनके लिए आप आगे आए हो और आपने support किया है. And yet again for this eye gift eyesight. Let me tell you that एक और ऐसा इनिशिएटिव है जिसके लिए मैम अगेन आपने सपोर्ट अपना दिखाया है, दैट इज कावेरी कॉलिंग. सो इस इनिशिएटिव के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी. आई वुड रिक्वेस्ट मैम अगर आप खुद बताओ कि व्हाट इज दिस इनिशिएटिव ऑल अबाउट. अच्छा, आपकी ये बातें फ्रॉम हेल्पएज इंडिया एंड पीपल जस्ट बिफोर, मुझे एक इट्स जस्ट अ थॉट एंड आई नो व्हेन आई से इट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती. जैसे कि हम सबके पास आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है. बट लाइक यू जस्ट हर्ड फ्रॉम द जेंटलमैन जस्ट बिफोर के जिनकी आई साइट नहीं होती उनकी ज़िंदगी रुक जाती है एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज इट रियली मीन्स अ लॉट. जस्ट लाइक दैट जा रहा है आपकी नदियों में, आपके लेक्स में, आपके सी में, वो कहीं आपके मुंह में वापस आएगा, आपके बच्चों के मुंह में आएगा. इसी तरह खाने में, हवा में हम केमिकल्स फेंकते जा रहे हैं. वी कॉल दिस डेवलपमेंट, वी रन मशीन्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बट विद एवरी मूव वी मेक वी आर पोल्यूटिंग दिस प्लैनेट. हम ये करते ही नहीं जा सकते जस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि कल ये हवा, ये पानी, ये खाना, दिस विल बिकम टू डैमेज फॉर देम टू ईट, ड्रिंक, ब्रीथ. देन वी विल रियलाइज द वैल्यू. बट बिफोर वी रीच देयर वी कैन डू वेरी वेरी सिंपल थिंग्स टू लेसन दिस एंड वन ऑफ देम इज जस्ट प्लांटिंग ट्रीज.
कावेरी कॉलिंग ये शुरुआत की है मैंने नहीं, मैं सपोर्ट कर रही हूँ अलॉन्ग विद बिग एफएम टुडे. दे बीन वेरी वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड एंड से वी विल आल्सो पार्टिसिपेट. कावेरी कॉलिंग शुरू की है सदगुरु जी श्री जगी वासुदेव जी ने. He started with Rally for Rivers. He wanted India to wake up to the fact that we are using our rivers, magar hum unhe nourish to kar nahi rahe hain. So over time, all our rivers, you know it, Ganga, Jamuna, Saraswati, you name it, Narmada, all of them are depleting. They're depleting, wo kam hoti ja rahi hai, pani dushit hota ja raha hai aur pani kam hota ja raha hai. Ya wo beh jati hai samundar ki taraf, ya phir wo sookh jati hai. और सूखते सूखते यू विल नॉट हैव वाटर टुमारो फॉर द चिल्ड्रन. सो वन वेरी सिंपल थिंग, वन ही वांटेड टू वेक अस अप, टू ही सेड नाउ स्टार्टिंग एक्शन. ही स्टार्टेड विद कावेरी, द रिवर कावेरी इन डाउन साउथ. एंड उनका ये बहुत बड़ा प्लान है. इट्स ही हैज टेकन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु थ्रू विच कावेरी फ्लोज. एंड द प्लान इज to plant more than 200 crore trees over the next 12 years. 200 crore trees, sochne jao, bahut bada number hai. And he cannot do this alone. He needs our support. So agar ek aadmi ye karne jaye to nahi hota hai, but if all of us plant even just one tree, we are a billion people in India. If we plant just one tree, which is 42 rupees, you will have a billion trees up there in no time. So just keeping that one thought, simple thing like planting trees. And it's not just planting trees. The trees have to be planted on farms. Farms so that farmers, because hamari farming techniques aisi ho gayi hai, hum farm ekdam nadi ke kinare tak liye hai, sare ped kaat diye, bech diye, jo bhi ho gaya. So it is, the point is to get them farmers again to plant those trees, to help them. These trees will go towards their farms. So these plant farms will have 3/4 of their land under agroforestry, which is tree-based farming. So they grow fruits or dates or whatever they want, but there have to be trees on their farms. So these trees are going towards farms. And this will help farmers' incomes rise by 300% to 800%. So, again, we've heard of farmers committing suicides, doing all that, you know, in desperation. This is going to help farmers across the entire belt. It's a very big initiative. So he needs all our support. It's a very small amount, 42 rupees, one sapling. So I thank Big FM, because yes, I am doing it. I'm supporting him, trying to speak about it wherever I can. But aapki awaaz mujhse bhi zyada aage jaati hai to listeners. And thank you for supporting it by letting me talk about it over there. And I hope that we all do something. We do this not because Juhi is saying it and not because just Big FM is saying it, but because you love your children. Do it for your children. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. A huge round of applause for Juhi, ma'am, please. Zordaar taliyan. Zordaar taliyan. How full lag rahi. Abhi zordaar taliyan aur bajengi, ma'am. 13th November ko kuch special hai. Yes. So ma'am, pre-birthday celebration, because 13th ko hum aapse mil nahi payenge. So we have to make full use of your presence and your time here. So yes, 13th November, Juhi ma'am turns a year younger. Absolutely. So this is a small gesture from Big FM. Thank you so much, ma'am, and wish you a very, very happy birthday. Hum log sab milkar gaayenge ek saath. Aur good seasons hai. Come on, guys! Happy birthday, dear Juhi ma'am. Happy birthday to you. Woo! Thank you.
जूम करना है तेरे हाथ से। चेकेंगे ओके थैंक यू। तो मुंह मीठा भी हो गया यस एंड आप ऑलरेडी इतने प्रिटी और इतने ब्यूटीफुल हो मैम बट नहीं आपको कुछ नहीं करना है हमें करना है। सो दिस इज फॉर यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर पार्टिसिपेशन इन ऑल दीज वंडरफुल कॉल्स। All right, so before I call everybody and we have a group picture, ma'am, at the end, again coming back to our initiative, jiske liye hum yahan sab saath jude hain, that is Eye Gift Eyesight, any last two things jo aap bolna chahoge as a message to the listeners or everybody who is watching you right now. Thank you. Bhai, sirf baaton se baat nahi banegi, kuch donation karna padega, shuruaat apne aap se karni padegi. So what is so any amount, right? So I'll say I just pledged 10,001 rupees right now for towards donation. No, my birthday. 1 lakh कर देती हूँ. 1 lakh for donation. Thank you so much, ma'am. Birthday gift आपको मिलना चाहिए, but आपने हमें gift दे दिया. आप मेरे लक्ष भूल गई. When you take care of others, things happen for you. So मैं आपके लिए करूँगी और भगवान कुछ कर ही डालेगा. Thank you so much, ma'am. I would now like to call the CMO of Central. To keep changing the life of 40 people, it's really great. We are so happy and honored. Can she be in the center? I'll share a little something with you. आप जब बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक ध्यान आया actually. मैं काफ़ी छोटी थी तो हमारे नाना जी इन हिज ओल्ड एज ही वाज क्वाइट फिट टॉल हैंडसम दैट्स व्हाट आई रिमेंबर ऑफ हिम बट एज ही बिगन टू एज ही लॉस्ट हिज आई साइट इट जस्ट हैपेंड विद एज परहैप्स ही वाज क्वाइट ओल्ड एंड देन दैट्स व्हेन ही लॉस्ट द जेस्ट फॉर लाइफ एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग ऐसा मैंने सुना है अपनी मम्मी से। सो जब आप बात कर रहे थे तो मुझे उनका ध्यान आया कि एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी राइट जब आपको दिखाई ना दे तो उस उम्र में योर लाइफ जस्ट स्लाइड्स सो या नो इट्स टोटल डिपेंडेंसी यू नो आई एम सॉरी टू टेक 1 मिनट इट्स टोटल डिपेंडेंसी एक तो उम्र बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन एडिशन टू दी आर लूजिंग योर टोटल आईसाइट यू नो टुडे 4.8 मिलियन पीपल आर ब्लाइंड And out of that, 2.8 million are elderly people. They are blind because of the simple cataract. And at HelpAge, we have taken this initiative to eradicate this blindness. And Big FM, thanks to you. मैम इधर मैम नंबर वन हाँ हाँ थैंक यू मैम जी मैडम जी यहाँ पे मैडम जी कॉमन इन बोथ के जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती एक चोट भी लग जाए ना और अपनी छोटी सी उंगली में कुछ छोटा फ्रैक्चर भी हो जाए सबसे छोटा दिस डोनेशन इज फॉर स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल तो एल्डरली पीपल के साथ तो ये है कि वन एजिंग प्रोसेस वो इतने जवान नहीं है कि उस तरह काम कर सकें जिस तरह जवानी में आप सब मेरे सामने यहाँ खड़े हैं और काम कर रहे हैं एंड दूसरा एक और डेबिलिटेशन के आँख से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं सो उनकी आँखें अगर वापस आ जाएं एटलीस्ट द लास्ट फ्यू इयर्स दे कैन लिव लाइक दिस सेड विद डिग्निटी सो दैट इज़ वन दूसरी है पर्यावरण जिसको हम एकदम उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते हम उसे हर रोज़ बिगाड़ते जा रहे हैं हम वैसे ही
पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। और ये हम ही करते जा रहे हैं, हम जिसे डेवलपमेंट बोलते हैं, बिल्डिंग्स बनाते जाते हैं, पेड़ काटते जाते हैं, ये अक्लमंदी की नहीं स्टुपिडिटी की बात है। और हम ये कब समझेंगे, जब हमारे बच्चे सांस ना ले पाएँ, जब वो खाना खा ना पाएँ क्योंकि उसमें केमिकल्स भरे हुए हैं, जब वो पानी पी ना पाएँ उसमें भी वो सब दूषित हो और आप उसे हाथ ना लगा सकें, या पानी ख़त्म ही हो जाए। आई बिलीव द वाटर टेबल इन इंडिया विल बी ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन 2025। वेक अप पीपल। एंड इसके लिए और मशीन्स और कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर अगर आपके पास वो आइडियाज़ भी हैं तो वो भी लगा लीजिए, मगर बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं। जहाँ हो सके, जहाँ जहाँ मौका मिले पेड़ लगाइए। और पेड़ सिर्फ लगाइए नहीं, उनका थोड़ा ध्यान भी करना पड़ता है 3-4 सालों तक, फिर वो अपना ध्यान कर लेते हैं। और ज़िंदगी भर आपको ऑक्सीजन देते हैं, खुली हवा देते हैं, पानी वो होल्ड करते हैं, छांव देते हैं, दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, फ्रॉम सॉइल डिटीरियोरेशन, मैनी 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 थिंग्स। दे गिव यू फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, स्क्विरल्स, सब पेड़ों से ही आ जाते हैं। सो कावेरी कॉलिंग इज़ वन सच प्रोजेक्ट, जहाँ पर जिसमें पहले शुरुआत तो मैं ये बताना चाहूँगी सद्गुरु जी ने की है, श्री जग्गी वासुदेव जी ने। और उनका ये उनकी एक कोशिश है कि कावेरी बेल्ट में, कावेरी के बिल्कुल इर्द गिर्द 200 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे अगले 12 साल में। 200 करोड़ पेड़ वो अकेले नहीं लगा सकते, उन्हें हम सब की ज़रूरत है। और कोई बड़ी बात नहीं है, 42 रुपये आप यूं ही छोटी मोटी चीज़ों पे ऐसे ही, मतलब कुछ भी खरीदते हैं, 42 रुपये कुछ भी नहीं होते, तो 42 रुपये का एक पेड़ है। भारत में हम कोई 1 बिलियन लोग हैं, और ज़्यादा मत करिए। अगर हम 1 बिलियन सिर्फ एक क्षण के लिए रुक जाएं और बोले ये रहे मेरे 42 रुपये, एक पेड़ मेरी तरफ से, वी विल हैव 1 बिलियन ट्रीज इन नो टाइम एट ऑल। इट्स दैट सिंपल। सो प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करें, इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, मगर मेरी बात में अगर आपको थोड़ी अकलमंदी दिखाई दे, अगर मैं कोई सच्ची बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान कीजिए। और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एक्चुअली आप सोचेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्यार आप अपने बच्चों को करते हैं, तो अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ दिस इज़ अ सक्सेस, इंडिया विल बी द फर्स्ट टू बी एबल टू पुल समथिंग सो ऑफ सच मैग्नीट्यूड, एंड देन वी कैन डू दिस फॉर ऑल आर रिवर्स। वी कैन बी द रिचेस्ट कंट्री इन बैक इन आर रिसोर्सेज। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। 42 रुपीज़ अ सैपलिंग, वेरी स्मॉल लिटल थिंग। एक तो बनता ही है, एक तो ज़रूर लगाइए, आपका मन करे तो और भी लगाइए। आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही आपका उत्तर मिल गया आपको, कि जब मैं हम सब अपने लिए काम तो ज़रूर करते हैं, फिर किसी अच्छी बात को करते हैं तो रात को नींद बड़ी कमाल की आती है, लगता है कि हमने अपना कुछ अच्छा किया आज। तो बट दैट इज़ नॉट इट, कि मैं इस ख्याल से नहीं शुरुआत की थी मैंने कि मैं पेड़ लगाऊंगी तो ये मेरी नींद अच्छी हो जाएगी, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे लगा इस ये बात सच्ची है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड आई मस्ट हेल्प। अगर मैं अपने बच्चों का भविष्य चाहती हूँ तो यही सही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप सिर्फ उनके लिए बैंक बैलेंस और एक घर और एक गाड़ी रख देंगे और कहेंगे भाई ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, तो कल को वो आपसे बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि आपने उनका पानी, खाना, हवा
पूरी खराब इस तरीके तक कर दी होगी कि वो देयर बी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न. सो रियली इफ यू वांट टू लीव समथिंग फॉर देम. और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे जो पूर्वज थे वो यही करते थे, कभी भी उन्होंने पानी को गंदा नहीं किया. मैंने तो ये भी सुना है, एक वीडियो पर मैंने देखा था कि पहले के लोग कहते थे ओ मैं गंगा या जमुना नहाने जा रहा हूँ, तो बोलते थे पहले नहा के जाने. यानी कि आप प्लीज़ अपने उस पानी को गंदा अपने आप से मत करना. आज तो हम उस सोच को कहाँ पीछे छोड़ा है, आज तो हम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट भी गंगा में डाल देते हैं. और गंगा, गंगा इज़ गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया. आई फाइंड इट शॉकिंग कि हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे गंगा का पानी क्यों इतना माना जाता है. आप गंगा के पानी को बॉटल में रखिए, अगले 100 साल तक उसमें कोई कीटाणु नहीं मिलेगा, वो इतना प्योर है. इस प्लैनेट पर ऐसी कोई रिवर नहीं है मगर इंडिया में है, इसलिए गंगा को जाना जाता है. मगर आज गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र और पता नहीं कितने सारे नदियों को हमने नाले बना दिए, अपनी गंदगी उसमें डाल रहे हैं. सो इट्स शॉकिंग. आई जस्ट होप वी ऑल वेक अप एंड डू समथिंग अबाउट इट. अब करने जाएंगे और काफी फिट करते हैं. उन्होंने आई एम श्योर इस पर भी बहुत सोचा होगा. मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है पेड़ तो कभी नहीं काटने चाहिए, जिस हद तक हम उन्हें बचा सकें. क्योंकि एक पेड़ को वो पेड़ बनते 50 साल लगते हैं. आप उसकी जगह 50 और लगा दीजिए मगर वो 50 साल आप वापस नहीं ला सकते. सो मगर ये मुंबई की ज़रूरत है, हम लोग आबादी इतनी बढ़ गई है कि उसके बिना आपको ट्रैफिक हर जगह मिलेगा, फिर आप ट्रैफिक के बारे में चिल्लाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करे. इसलिए जिसे हम हेल्प नहीं कर सकते चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, मगर जिसमें हम कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कावेरी कॉलिंग है, आप उसमें ज़रा हाथ बटाइए ना. यहाँ की कंप्लेन ना करिए, वहाँ पर हाथ बटाइए, वहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे उसका प्रभाव इधर भी होगा.